सभी को प्रणाम करता हूँ, आपकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और माता बहनों को कई कई बार प्रणाम करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि आप एकता कपूर के सीरियल छोड़कर भागवत कथा सुनने के लिए बहुत देर तक बैठी हैं और माँ शारदे के ज्येष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ पुत्र मेरे अग्रज बड़े भाई मनोज तिवारी जी बैठे हैं। एक ऐसा शख्स जिस व्यक्ति ने माँ शारदे का नाम लेकर गीतों को गाया, तो जब उन्होंने गीतों को गाया तो ऐसे गाया कि दूर दूर तक पक्षी भी मौन हो गए। जिस मनोज तिवारी ने अभिनय किया तो वो अभिनय किया कि आज भी पूर्वांचल में मनोज भाई को जो कहा जाता है, अम्मा कोई विशेष परिस्थिति तो नहीं है, ये मेरे साथ होता ही है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत इतनी खराब है माताओं बहनों की, अगर ऊंट पर बैठ के भी बाजार जाऊं तब भी कुत्ता काट लेता है, अगर कुत्ता छोड़ दे तो पीछे मुड़ के ऊंट ही काट लेता है। माँ आई हैं, माँ आपसे निवेदन है आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। मनीष भैया आप भी बैठ जाइए क्योंकि आज मनोज भैया बता रहे हैं कि आज 20 लोग और बैठ गए हैं, जब वो बैठ गए तो आप भी बैठ जाइए। तो मित्रों, मैं मनोज भैया के बारे में बताया रहा था, एक व्यक्ति जिसने गायन किया माँ शारदे का नाम लेकर, तो ऐसा गायन किया कि कई कई किलोमीटर तक के पक्षी उनके गीत की आवाज सुनकर ही मौन हो जाते थे। जिस व्यक्ति ने अभिनय किया तो ऐसा अभिनय किया, मेरे कई फोटो मनोज भैया के साथ में हैं, तो लोग जब मुझसे मिलते हैं पूर्वांचल साइड के, जब मैं भागलपुर बिहार जाता हूं, गोरखपुर जाता हूं, वाराणसी जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भैया हमारा भी मन है एक बार भैया से मिलवा देना, हमारा भी प्रणाम बोल देना। उस तरह के व्यक्तित्व, और जिस व्यक्तित्व ने राजनीति की, अगर वो सेवा में आए, जन सेवा में आए, तो जन सेवा में ऐसे आए कि आपने बहुत भारी मतों से उन्हें विजयी बनाया। माँ शारदे इतनी ताकत, माँ शारदे इतना गुण, मनोज भैया बहुत विरले लोगों को देती है और माँ ने आपको सब कुछ दिया है। और जब ये मुझसे पहले दिन मिले थे मौजपुर के कवि सम्मेलन में, उस समय पर ये सांसद नहीं थे, मुझसे मिलने के बाद ये सांसद बने। और दूसरी बार जब ये मुझसे मिले ज्योति नगर शाहदरा के मंच पर, वहाँ मुझसे मिलने के बाद में, उस कवि सम्मेलन में मुझसे मिलने के बाद में, मनोज भैया भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। अब मनोज भैया बात ये है, सही जा रहे हो, सही मनोज भैया बात ये है कि मुख्यमंत्री बनने में आपको 3 बार और मिलना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, तालियां तालियां, क्या बात है। मुझे पता है कि समय बहुत देर हो गया है और अभी आरती भी होनी है, मैं चाहता हूं जो साउंड इसके बैक में आ रहा है वो बंद कर दिया जाए और मैं सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूं। एक व्यक्ति के लिए आप ताली और बजा दे मित्रों, कि सारी मोतियों में, सारे मोतियों में जिस व्यक्ति ने धागे का काम किया है, जो व्यक्ति धागा बना है, ऐसे मनीष तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब इन्होंने मुझसे कहा और इनको किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने का बहुत अच्छा तरीका है, इन्होंने फोन करते मुझसे कहा भैया आना है आपको और मनोज भैया भी आ रहे हैं। मैंने कहा भैया पहले ही बता देते, मैं तो मनोज भैया का नाम सुनकर ही आ जाता, लेकिन बहुत अच्छा आयोजन है मित्रों। आज इस कार्यक्रम में मैं और मनोज भैया नहीं आते तो आज बहुत कुछ छोड़ देते। आपने इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, मैं आपका हृदय तल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चरणों की धूलि को नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण की बातें जहाँ पर होती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मनोज भैया अपना एक भजन गाने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यहाँ पर आए। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको और यशस्वी करे, राजनीति में दिन प्रतिदिन नए आयाम गढ़े और राजनीति में वो मुहावरा
दौरा घर कर जाए, जिस तक भारतीय राजनीति युग युगांतर तक अनंत काल तक जीवित रहे ऐसी राजनीति में। क्योंकि मित्रों मेरे मुंह से निकल गया था कि देश का अगर उत्तर प्रदेश का अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को बनना चाहिए। जब मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने कहा था कि धर्म की बहुत हानि हो रही है, एक ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो देश का नेतृत्व कर सके, जो हमारे हितों को साध सके। तो माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो मित्रों माँ शारदे जिसके जुबान पर बैठी होती है, हम कवियों को ये ताकत है क्योंकि हमारे कवि कुल के बड़े नेता जो बहुत बड़े महान कवि थे आदरणीय अटल जी ने एक बार संसद में खड़े होकर कह दिया था, जब उनकी सरकार मात्र एक वोट से गिरा दी लोग उन पर हंसने लगे, एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा दिया कि अटल जी आप क्या बात करते हैं, मुझको लगता है कि आप आज सदन में दारू पी कर आए हैं। तो अटल जी ने कहा था कि आज आप मेरी हंसी उड़ा लो, मैं माँ शारदे का पुत्र हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में भगवा ध्वज लहराएगा, कमल का फूल लहराएगा, उस वक्त ये देश तुम पर हंसेगा। और आज आपने सुपड़ा साफ करके बता दिया कि माँ शारदे के पुत्रों के जुबान पर हमेशा माँ शारदे निवास करती है। तो भैया मुझे पता है मनोज भैया को भी जाना है राजनीति में, सिर्फ सांसद ही नहीं है, बहुत व्यस्त सांसद हैं, बड़े आर्टिस्ट भी हैं, बड़े नेता भी हैं। सीधे सीधे मनोज भैया एक पंक्ति रखता हूँ, मनोज भैया आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, मैं भी 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, आप पर ज्यादा अत्याचार नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से कथा सुन रहे हैं और मुझको खड़ा कर दिया मनीष भाई ने, बहुत बहुत आभार मनीष भाई। मित्रों मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो हमारी माता बहन बैठी हैं संसद में खड़े होकर एक व्यक्ति ने कहा हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद, जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा भगवा आतंकवाद कहा वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा भगवा आतंकवाद कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे, मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है मैं किसी को गाली दूं। किसी कवि की मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि कीचड़ तेरे पास था, कीचड़ तेरे पास था मेरे पास गुलाल, और जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरे संस्कार ऐसे थे तू किसी को गाली दे पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं है मैं किसी को गाली दूं। लेकिन मनोज भैया उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। यहां से कविता मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय व्यास जी बैठे हैं हमारे पूजनीय हैं श्रद्धेय हैं, उनको प्रणाम करते करते आज पूरी कविता उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, समर्पित करता हूं। व्यास जी क्या है हमारा धर्म सनातन कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को संकंज जटा फैलाई थी, और समंदर मंथन जब हुआ, समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं। मनीष भाई हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, बहुत बड़े बड़े आयोजन इस विश्व में होते हैं लेकिन 25 करोड़ लोग आज तक एक जगह कभी इकट्ठे नहीं हुए, और 25 करोड़ लोग इकट्ठे होने के बाद भी वो कार्यक्रम शांति से संपन्न हो जाता है, ऐसी हमारी कुंभ की परंपरा होती है। और उस कुंभ की परंपरा में, उस कुंभ की परंपरा में 18 लाख लोग विदेशी थे, उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं, कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप कर देखो,
शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कि हम ही सबसे आगे थे। हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा मित्रों कौन लोग हैं, कि हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी किससे, सारा आकाश बता देगा। दुनिया मास चपखाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से ना मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है। सिर झुकाकर जो आया, सिर झुकाकर जो आया, सिर झुकाकर जो आया, सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, अरे वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अब बताता हूं भगवा क्या है। आदरणीय अरविंद नागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आ रहे हैं, वो एक फोटो खींच लो। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार अरविंद भैया, क्योंकि मेरा भी गांव वो सारा नागरों का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी किससे, सारा आकाश बता देगा। दुनिया मास चपखाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से ना मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है। सिर झुकाकर जो आया, सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को जोड़ा करते हैं, और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। और अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा, व्यास जी भगवा क्या है, अरविंद भाई मनोज भैया क्या है, कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा, उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है, रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम, भगवा ही लहराता है, भगवा अपना जीवन है। सूरज के अंदर देख, चंदा जब जब आता है, रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम, भगवा ही लहराता है, भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है, भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। और भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है, भगवा से हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है, ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए, गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। जोरदार तालियों से हाथ उठाकर बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है, सपना ही रह जाएगा। कविता की अंतिम चार पंक्तियां कि आंखों में जो पाल रखा है, सपना ही रह जाएगा। मनोज भैया, अरविंद भैया, आज लोग कहते हैं मनोज भैया कि हम भगवा को मिटा देंगे, हिंदुत्व को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे।
डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमको जीजाबाई जैसी माताएं मिली हैं, झांसी की रानी जैसी हमारी बहनें हैं। तब जाकर कहता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी जन्म नहीं लिया, हर देश की जन्म तिथि है। पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है, पाकिस्तान की जन्म तिथि है, बांग्लादेश की जन्म तिथि, अफगानिस्तान की जन्म तिथि है, अमेरिका की जन्म तिथि है, कैनेडा की जन्म तिथि है, यूरोप की जन्म तिथि है, मलेशिया की जन्म तिथि है, थाईलैंड की जन्म तिथि है, कंबोडिया की जन्म तिथि है, ब्रिटेन की जन्म तिथि है। और जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवान मिट ना पाएगा। अंतिम दो पंक्तियां रखता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। पता है कि उसी से धरती हिलेगी। हाँ मनोज भैया, मैं फिर सुनाऊंगा तो 3 मिनट लूंगा पूरी। बहुत बहुत आभार एक बार मेरे बड़े भैया के लिए, जोरदार ताले बजाएं जिन्होंने मुझको आदेश दिया। मित्रों, किसी नेता का सम्मान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मनोज भैया का सम्मान मैं इसलिए करता हूँ कि माँ शारदे के ज्येष्ठ पुत्र हैं नेता से पहले, नेता तो बाद में बने मनोज भैया। सीधे सीधे रखता हूँ एक कविता, जिस कविता की वजह से मैं बहुत ज्यादा बदनाम हुआ या मान लीजिए बहुत ज्यादा नाम हुआ कश्मीरी पंडितों पे, वो कविता थी, वही कविता रखता हूँ। और आप उसी जोश के साथ सुनना जिस जोश के साथ हमेशा सुनते हो। 3 पेजों पर 4.5 करोड़ लोगों ने इस कविता को देखा, और आज तक इतना वायरल कवि मैंने कोई नहीं देखा। आप भी अगर 4.5 करोड़ किसी की व्यूअरशिप दिखा दो तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। उस कविता को रखता हूं मैं। हमारे ऊपर एक आरोप लगा, दादरी में कांड हो जाता है, लोगों ने कहा कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे। 17-17 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों ने उसे हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है? हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है? इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन है? हमसे बड़ा एकतावान कौन है? मनोज भैया बताता हूं हम कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। एक बार आप जोरदार ताले जाए ताकि मैं उसी ऊर्जा से काव्य पाठ कर पाऊं। कि पाप कभी नहीं करते हैं, कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं हम? मैं इन माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके भाई आपके बच्चे क्या हैं? कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपने छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। तालियां जोरदार। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। मनीष भैया, मैं यदि, हाँ कहाँ गए, कि मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यवर्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलियारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता
हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत है भैया का। ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। क्या चीज काम में आती है मेरे भाइयों को पंक्तियां रटी पड़ी है। सबसे ज्यादा वायरल पंक्तियां हैं जो आजकल बैनरों पे कोट होने लगी हैं कि ना तंत्र काम में आता है। मेरे युवा दोस्तों, हम इस बात के अहंकार में रह गए क्योंकि सबसे बड़े भगवान भगवान राम और कृष्ण हमारे धर्म में जन्म लिया उन्होंने। लेकिन मित्रों, समय की मांग क्या काम आती है, हमने चार चार वेद लिख दिया, हम इसे अहंकार में रह गए। लेकिन समय की मांग क्या है, समय पढ़ने पर क्या चीज काम में आती है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो क्या बात है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 20-30 हजार लोग नहीं, 7 लाख लोग, 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, ललकारता उन लोगों को कैसे भाग गए कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी। हर हर महादेव। आइए आरती करते हैं बिना समय व्यर्थ करे। अभी उठिएगा नहीं आरती। और ये अपने हाथों से भैया को गिफ्ट करेंगे। इसमें लिखा है यू कैन एंड यू विल। हमें पता है भैया आप कर सकते हो और उम्मीद है आप करोगे। आखिर हमने आपको भैया भेजा है ना, हमें पता है आप बहुत ऊपर जाओगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। यू कैन एंड यू विल। आशीष शाह रोटी गाय को भैया को दे रहे हैं क्योंकि इससे अच्छा मंच कोई नहीं हो सकता। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पहली रोटी गाय को आशीष शाह, शाह ज्वेलर्स से। तो आइए बिना समय गवाए हम आरती की। वो टीम है जो 3 लड़के यही सोते हैं 7 दिन, सोनू, दीपक और दूसरे भी दीपक, भैया यही सोते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, राजू पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही। जग के
मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग बताने वाला, बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज गय प्रहारम, सदा वसन्तम कल्याणम भवन्तु भवानि सैकलो। त्वमेव माता चक्षा त्वमेव, त्वमेव वर्णो दशका त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। आरवदिक्यं कुर्याथ आरवदिक्यं समर्पयामि हरिः ॐ मा।